Citylive, a platform to sharing your thoughts. ब्रेस्ट कैंसर एक गंभीर बीमारी है, इसके प्रति जागरूकता भी चाहिए और इसकी रोकथाम भी होनी चाहिए। इसके लिए एक खास तरह का कार्यक्रम राजधानी जयपुर में किया जा रहा है, रूहानी ए नूर, और इसके आयोजक हैं दीपक गुप्ता, जो हाइट्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम होगा, क्या इसका उद्देश्य है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी में से एक बीमारी है, लेकिन इसमें कहीं भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज है। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इलाज कैसे और कब कराना चाहिए। तो इसको देखते हुए हमने, चूँकि अक्टूबर मंथ पूरे विश्व में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तरह मनाया जाता है, तो इसके लिए हम जयपुर में एक इवेंट कर रहे हैं 11 तारीख को और 13 तारीख को। 11 तारीख को जो इवेंट है वो सूफी नाइट है, सूफियाना गज़ल कव्वाली का कार्यक्रम है, जिसमें अपने हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध कव्वाल निज़ामी ब्रदर्स आ रहे हैं। ये ऐसे कव्वाल हैं जो हिंदुस्तान के, जो सबसे पहली बार एल्बर्ट हॉल में लंदन में अगर किसी ने परफॉर्म किया है तो यही हैं, इन्होंने ही वहाँ परफॉर्म किया था। तो उस दिन 11 तारीख को होटल जोन बाय द पार्क पैलेस में आ रहे हैं, वहाँ पे ये सूफी नाइट है जिसमें लोग वहाँ पे आएंगे। एंट्री सिर्फ इनविटेशन के ऊपर है, डोनर कार्ड्स के ऊपर है, और जो भी डोनेशन हमारे पास आ रहा है उसका एक अमाउंट हम जो है जीएस फाउंडेशन ट्रस्ट, जो इसके ऊपर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है कई सालों से, उनको हम डोनेट करेंगे। हमारा मकसद ये है कि लोगों को हम जागरूक करें, जैसे स्पोर्ट्स के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, या और कोई भी ऐसा माध्यम हो जिससे लोगों को जागरूकता पैदा हो। तो इसलिए हमने ऑप्ट किया कि हम इसको एक सूफियाना अंदाज से लोगों को बताएं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएं। मेन पर्पज़ यही था ये प्रोग्राम करने का कि अच्छे कॉज के लिए है। और आपने देखा होगा, आपने पूछा भी कि संगीत क्यों, तो संगीत जोड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे अगर सिर्फ आप एक लेक्चर देंगे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। तो आज स्कूल कॉलेज में भी बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जिससे कि इंटरेस्ट लें, और वो ग्रास्प करना हमेशा ईजी होता है जो थोड़े से ऑडियो विजुअल्स के साथ होता है। तो यही कारण है कि हम लोगों ने म्यूज़िक इनकॉर्पोरेट किया कि लोग उस म्यूज़िक के रस के साथ ये मैसेज समझ पाएँ और उसको आगे यूज़ कर पाएँ। तो ये सब लोगों के अच्छे विचारों की वजह से है कि ये कॉज के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। और इसमें हम लोग इनफैक्ट जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पिंक रिबन, वो इसी में ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे, सारी कंट्रीज़ में है वो प्रेजेंट। और उनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया के लिए मिस प्रीति शर्मा, हम लोग स्पेशली उनको बुला रहे हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो आएंगी इस इवेंट में और लोगों को एक मैसेज देंगी जयपुर के लोगों को कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए आगे आएँ, और लेडीज़ खासतौर से इस चीज़ को, इस बीमारी को समझें और वो डिस्कस करें अपने घर में अगर कुछ इस तरीके का होता है, जिससे कि हम इस बीमारी को कम से कम कर सकें। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, वो चीज़ जो सबको पसंद आए, जो सब जुड़ें, सब आएं, इंजॉय करें और अवेयर होके जाएं, अवेयरनेस आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी, तो एक्शन भी आएगा आगे। तो पूरे जयपुर से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आएँ और ज़रूर इस कॉज से जुड़ें और इसको जितना स्प्रेड कर सके करें, ताकि हमारी ये जो लड़ाई है इस ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट, हम इससे जीत सके और हमसे ये डिजीज़ ना जीते। कैंसर या किसी भी बीमारी का आज इलाज बहुत संभव है, और इलाज सारी पब्लिक की रीच में भी है, जैसे कि भी सारे गवर्नमेंट के इंसेंटिव चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट अपनी बीमारी के लिए अवेयर होना चाहिए, वो एजुकेट होना चाहिए। हम लोग तो जो कर रहे हैं, पर आप हमसे भी बड़ा काम कर पाएंगे, क्योंकि आप जितना अच्छे से लोगों तक रीच तक पहुंच पाएंगे, हम उतना नहीं कर पाएंगे शायद। तो आपके माध्यम से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से हम जो स्प्रेड करना चाहते हैं वो शायद और दूर तक जा सकता है। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।